गाइस वेलकम बैक, क्या चल, आई होप अच्छे होंगे। तो भाई लास्ट एपिसोड आप लोगों ने देखा था, हमारा प्यारा फ्रैंकलिन वापस आ चुका है, लेकिन यार उसके अंदर चिप लगाई थी, अभी वो पहले से बहुत ही अच्छा हो गया है। मतलब यार धीरे धीरे उसकी मेमोरी हम वापस लाने की कोशिश करेंगे, बट यार वो फिलहाल अभी बेहोश नहीं है, मतलब कि वो वेयरवुल्फ बन सकता है, कोई टेंशन नहीं है, बट उसकी मेमोरी अभी हमारे हिसाब से काम करेगी। हमने चिप लगा के रखी है, हमने उसको अपना रोबोट बना लिया है, जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम उससे काम ले लेंगे। यार देखो ऐसे ही अभी उसको सही करने का मेरे को लगा तरीका, बाद में अगर कुछ और अच्छा तरीका हमें मिल जाएगा टेस्टर जैसे हम उसको सही करवा लेंगे, बट फिलहाल वो ठीक हो चुका है, अभी उसको बेहोश करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहेगा। धीरे धीरे उसकी मेमोरी वापस आ सकती है, ऐसा निकी बोल रही है। और भाई हमने देखा था FIV का मॉन्स्टर, क्या कमाल का मॉन्स्टर था भाई, और मैंने उसको मार दिया पानी में ले जा करके, उसका आराम से एंड कर दिया। और मैंने आज भाई सुबह फोन करके बोल दिया अपने डॉक्टर स्ट्रोंग को, आज मैंने उसको भाई दो तीन काम बोले कि मेरे भाई सबसे पहले तो तेरे को चिराग ढूंढना है, मेरा हीरा मिस हो गया था उसको ढूंढना है, और एक और भाई स्टैचू शाहरुख खान का वो भी भाई मिस हो गया था। ये तीनों चीजें मैंने उसको बोल दी कि भाई तू जा बहुत ही ज्यादा लाइट ले रहा है इस मामले को, अभी तक उसने मेरे को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन तीनों चीजों के बारे में। तो देखते भाई अभी मैंने उसको बोला कि 24 घंटे के अंदर मेरे को तीनों चीजें चाहिए, वो देखते कैसे लेकर के आएगा, वो तो बाद में देख लेंगे। भाई वैसे बोल दिया है मैंने उसको, और अब की बार वो काम पे लग चुका है, माइंड से बाहर निकला है। एक बार डॉक्टर स्ट्रोंग को सारी चीजें मिल जाएगी फिर हम उनको अपनी जगह पे लगा देंगे, और भाई चिराग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए देखते उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर कुछ और चीज सोचेंगे, बट फिलहाल मैंने बोल तो उसको दिया ही है। वैसे बंदा ढूंढ लेगा, आपको पता है काफी वो समझदार बंदा है। अभी भाई मैं जा रहा हूं दोबारा से गैरेज में, आपको बताइए लास्ट एपिसोड में मैंने एक इंचार्ज को भाई किडनैप करा था और उसके बेटे को भी किडनैप करा था, क्योंकि उनसे हमें कुछ काम लेना है। कुछ ही टाइम बाद हमारे शहर में मम्मीज आने वाली है इजिप्ट से, क्योंकि भाई इजिप्ट में कुछ मम्मीज निकली है और वो हमारे शहर में आएगी, पता नहीं म्यूजियम में आ सकती है, कहीं पर भी वो आ सकती है। तो भाई अगर आप चैनल पे नहीं तो मेक चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर सके उसको भी कर दो। भाई अगर तो आपने वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से आकर वीडियो को लाइक कर लो, इस वीडियो के लाइक्स का एम है 20,000, जल्दी से आकर उसको पूरा करा दो। अगर तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया बाद में जाकर उसको चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरी जीटी की वीडियो डाल दो, इसका नेक्स्ट पार्ट शाम को 5 बजे उसी पर आने वाला है। तो भाई जगह पर जल्दी से पहुंचता हूं। भाई मैं गैरेज में पहुंच चुका हूं और भाई अभी फ्रीज फॉर्मूला भी ढूंढना है, आप लोगों को याद होगा फ्रीज टाइम करने वाला, वो भी बहुत ही जरूरी है, बट यार अभी उसका कुछ भी क्लू नहीं लग पा रहा। जब तक क्लू नहीं मिलेगा फॉर्मूला हम नहीं ढूंढ सकते, क्लू तो भाई मुझे लगता है टेस्ट सर्जरी का ठीक होने के बाद ही मिलने वाला है, और मुझे जल्दी भाई टेस्ट सर्जरी के ठीक होने की उम्मीद है, क्योंकि लेस्टर को कुछ ना कुछ तो भाई सोल्यूशन मिल चुका है। उसने मेरे को बोला है कि मेरे प्यारे ट्रेवर अभी मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे, एक बार ठीक हो जाएंगे फिर वही मेरे को बता देंगे फ्रीज फॉर्मूला के बारे में, नहीं तो भाई अभी हमें कोई क्लू नहीं मिल पा रहा। हमने हर एक बंदे से पता कर लिया, हर एक चीज चेक कर ली, कुछ भी हमें नहीं मिला। हेलो मेरे प्यारे भाई, आपकी रस्सी खुल गई ना, मजे लेना आराम से, गैरेज में खाना हम आराम से देते हैं, जैसे अपने प्यारे भाई भागते ही रहते हैं। इनको सजा ही मैंने सही दे के रखे, क्योंकि भाई बंदे को भागना बड़ी परेशानी पड़ जाती है, और वो भी पूरा दिन भागना, एक घंटा दो घंटा बंदा भाग सकता है, बट भाई पूरा पूरा दिन भागना। हेलो मेरे भाई होलोग्राम चाचा कैसे है रे, ये ले बेटे, चलो इनसे बाद में मजे लूंगा। तो मेरे प्यारे इंचार्ज भाई, तो यार अभी मैं इनको छोड़ने वाला हूं, क्योंकि भाई अगर मैंने इनको नहीं छोड़ा ना तो ये जॉब पे कैसे जाएंगे, अगर ये जॉब पे नहीं जाएंगे तो फिर इंचार्ज किसी और को बना दिया जाएगा, अगर इंचार्ज ये नहीं रहेगा तो फायदा क्या भाई इसको पकड़ने का और इसके बेटे को, तो सारी प्लानिंग हमारी फेल हो जाएगी। अभी मैं इसको छोड़ूंगा, ये वापस अपनी जॉब करेगा आराम से जाकर के, और जब भी मम्मीज आएगी तब हमें इन्फॉर्म करेगा, बट इसका बेटा हमारे पास ही रहेगा, क्योंकि जब तक ये हमारे पास रहेगा तो पापा जी कुछ भी उल्टा काम करने की नहीं सोचेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई अभी आप जा सकते हो, आराम से जाइए अपनी जॉब करिए, और जब मम्मीज आएगी हमें इन्फॉर्म कर देना। भाई मैंने बंदे को सारी बातें समझा दिया, बंदा बोल रहा है कि मेरे बेटे को भी छोड़ दो, मैंने बोला चाचा जी आपको छोड़ रहा हूं वही बहुत बड़ी बात है, आप चुपचाप जाइए। और चाचा ने भाई मेरे को एक और काम की बात बताई, ये बोल रहे कि टॉम नाम का बंदा है, तुम ट्रेवर उससे भी पूछताछ कर लो, उसको भी बहुत सारी चीजें पता है मम्मीज के बारे में, वो भी तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो भाई टॉम नाम का एक बंदा, मैं इनसे उसका नंबर ले लेता हूं। तो मेरे प्यारे भाई एक काम करो, आप टॉम का मेरे को नंबर दे दो, और अभी देखते हैं टॉम बंदा कौन है, उसको भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, तो भाई उसके पास चलता हूं, उसका नंबर अभी मैं टेरी को देता हूं, टेरी 2 मिनट में उसकी लोकेशन मेरे को ट्रेस करके बताएगा, और देखता हूं हमारा टॉम कहां पे है, इससे भाई बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी बोल रहा है कि मम्मीज के बारे में इसको भी पता है, तो ये भी काम आ सकता है बंदा हमारे। भाई टेरी ने मेरे को लोकेशन दे दिया हमारे प्यार टॉम की, फटाफट से वहीं पे पहुंचता हूं, और देखो मेरा प्यारा प्यारा डॉगी कैसे पीछे बैठा हुआ है। हेलो भाई क्या हाल चाल है, अरे हेलो तो बोल दे कैसा है रे। तो भाई कल तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि जब मैं इसको ट्रक में लेकर गया था, इसका मतलब इसको ट्रक में बैठना बहुत ही जरूरी है, बट यार मैं अभी ट्रक इसलिए लेके नहीं आया क्योंकि यार कभी भी गोली चलानी पड़ जाती है, और आपको पता है ट्रक बुलेट प्रूफ नहीं होते, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको फिर कभी फ्री टाइम में घुमा देंगे ट्रक में। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका, तो टॉम की भाई लोकेशन यहाँ पे मेरे को टेरी ने बताई है, तो यार ये जगह है कौन सी, तो भाई यहाँ पे टॉम करने के लिए क्या है, टॉम कौन है यार, ये फिल्म स्टार है यार, मूवी वगैरह में काम करता है मेरे को शायद से ऐसा लग रहा है। देखो यार यहाँ पे बहुत सारे बंदे आके रखे हुए, फोटोग्राफर भाई सभी का फोटो लेने में लगे हुए हैं, मेरे को तो ऐसे लगता है भाई ये बंदा शायद से मूवी में काम करता है, फिर इसको कैसे इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अभी चेक कर लेते हैं।
भाई शायद से यही बंदा टॉम है, इसका फोटो भी मैंने ले लिया था, टेरी ने मेरे को फोटो बंदे का भेज दिया था कि देख लो ड्राइवर भाई ये वाला बंदा टॉम है। तो भाई हमें कैसे पता नहीं चला इस बंदे के बारे में, शायद से भाई कोई नया बंदा आया होगा, ऐसा हो सकता है भाई, फ्रेशर हो हमारा प्यारा भाई। तो ये है टॉम, अभी मैं इसको नहीं मारूंगा, ना इससे पूछताछ करूंगा, सिर्फ इसके भाई जूतों में मेरे को एक GPS लगाना है ताकि इसकी लोकेशन हमें मिलती रहे, और उस GPS में भाई एक छोटा सा माइक भी है ताकि इसकी बातें भी हम सुनते रहे। तो इसके ऊपर बस अभी सिर्फ हम नजर रखेंगे। भाई मैंने बंदे के जूतों में एक छोटा सा GPS लगा दिया नीचे बैठ करके आराम से, इसको पता भी नहीं चला भाई, फोटो खिंचवाने में जब बंदा इतना बिजी है इसको नहीं पता लगने वाला। तो फटाफट से भाई ये मेरा काम हो चुका है, अभी हम यहाँ से निकल जाते हैं। भाई अभी मेरे पास टेरी का फोन आया, भाई जो चीज अभी हो गई है ना वो मैंने कभी सोचा नहीं था, हमारा लॉस्ट का नया बॉस, आप लोगों को भाई मैंने उसको दिखाया था, हमने दोस्ती भी कर ली थी, उसने घर में घुस के मेरे प्यार डॉगी के घर को जला दिया। पता नहीं भाई उसने ऐसा क्यों किया, बट उसने जो एक काम कर दिया ना ये उसने बहुत गलत कर दिया, अभी उसकी जिंदगी का उसने सबसे गलत काम ये किया है। अभी फिलहाल तो पहले अपने घर जाता हूँ और देखता हूँ क्या अगर उसने और क्या क्या मेरे नुकसान किया है, अभी तो मेरे को ये भी नहीं पता आखिर क्यों उसने ऐसा किया है, वो तो मेरे को बाद में ही बताने वाला है। वैसे वो नहीं बताने वाला क्योंकि अगर उसने सच में ये काम कर दिया होगा ना, वैसे यार टेरी ने देखा ये कैमराज में तो उसने काम कर ही दिया होगा, तो वो तो बताने के लिए जिंदा नहीं रहने वाला इस काम को करने के बाद, तो कोई और ही शायद से मेरे को बताएगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा है। पहले फटाफट से भाई घर में पहुंचता हूँ, लो मेरा घर आ भी गया, अभी देखता हूँ भाई। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ और मेरे को लगता है भाई बहुत ज्यादा आग लगी हुई है मेरे पिया पेट होगी, आराम से देखना मत भाई, पूरे घर को जला दिया उस लॉस्ट वाले बंदे ने, मैं इसको बहुत ही ज्यादा मारने वाला हूँ। मेरे दोनों के दोनों बेकार है टर्मिनेटर कहाँ यार, मैंने यहाँ पे दो गार्ड लगा के रखे हुए थे अपने डॉगी की सेफ्टी के लिए, कहाँ पे चले गए दोनों के दोनों भाई, ये तो बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। मेरे पेट डॉगी उतर के देखेगा क्या भाई, अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा उदास होने वाला यार, इसका नया घर, इसके लिए इसने इतने सारा काम किया था और अभी ये खत्म हो चुका है। भाई मेरे डॉगी गाड़ी से बाहर आ चुका है बेचारा, देखा अपने घर को देख के कैसा भौंकने में लग रहा है, क्योंकि भाई इसका बहुत ही प्यारा है घर है। मेरे प्यार भाई बस 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 कोई टेंशन तू मत ले, मैं तेरा दूसरा नया घर ला करके दे दूंगा, बट भाई इसका बदला हम जरूर लेंगे। हिम्मत कैसे होगी मेरे घर में घुसे और मेरे टर्मिनेटर का भी कुछ अता पता नहीं है। भाई मेरे दोनों के दोनों टर्मिनेटर्स यहाँ पे आ चुके हैं, इनसे मैंने पूछा कि भाई तुम लोग कहाँ पे चले गए थे, तो भाई इनको बेवकूफ बनाया गया, इनको डाइवर्ट कराया बंदों ने, मतलब बाहर किसी ने गोली चलाई फिर ये बाहर देखने के लिए गए किसी बंदे को, और जब तक भाई ये बाहर से अंदर आए ये वाला काम हो गया, मतलब कि इनको भाई बेवकूफ बनाया। नहीं तो मैं अभी तो सोचू यार मेरे टर्मिनेटर्स को कैसे हरा सकते हैं बंदे, ये बहुत खतरनाक है, बट इनको यार बेवकूफ बनाया, अभी यार ये क्या कर सकते हैं, इन्होंने सोचा बाहर कुछ हमला हो गया है इसलिए जा करके हमें चेक करना चाहिए, और जब इन्होंने चेक करा तो ये सारा काम उल्टा सीधा हो गया। भाई मेरे डॉगी देखो बेचारा अभी थक गया, बैठ के बहुत ही ज्यादा उदास हो गया, देखो भाई मुझे लगता है रोने लग रहा है। मेरे प्यारे भाई ऐसा मत कर, दिल छोटा नहीं करा करते, ट्रैवल कर लिया इससे बड़ा घर लेकर के आएगा जिसमें भाई बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें होगी, तू रो मत भाई, तो बहुत ज्यादा उदास हो गया देख, तो अगर ऐसे उदास हो जाएगा ना तो ट्रेवर पूरे शहर में बहुत बंदों को मारने वाला है, तो भाई अभी तो बहुत ज्यादा बंदों की मुसीबतें बढ़ने वाली है। तू चल खड़ा हो जा फटाफट से, उदास नहीं हो करते, अपने ट्रेवर के पास बहुत ज्यादा पैसा है, सारी चीजें लेकर के आएंगे, एक घर चलाए ना बहुत सारी चीजें हम लेकर आएंगे। मेरे प्यार टर्मिनेटर्स अगर अब की बार तुम्हें घर में कोई भी दिखाई दे, चाहे कोई भी बंदा हो, सीधा गोली मार देना, कोई टेंशन नहीं मत लेना, बाद में मैं देख लूंगा। मेरे प्यार भाई फटाफट से गाड़ी में बैठ, अभी गाड़ी में बैठने का टाइम है, बदला लेंगे, हर एक चीज का बदला लिया जाएगा और इसको दिखा करके ही बदला मैं लूंगा। अभी बहुत ही बुरा पिटने वाले हैं भाई, मेरे प्यारे डॉगी का घर जला दिया, और सबसे ज्यादा प्यारा ही घर था यार, स्पेशल मैंने इसको ऑर्डर दिया था, देखो इस पे इसकी फोटो भी लगी है, भाई बहुत ज्यादा बुरा पिटने वाले हैं। लॉस्ट वालों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। अभी फटाफट से लॉस्ट वाले के बॉस का मैं पता निकलवाता हूँ, देखता हूँ इस वक्त वो कहाँ पर है। टेरी भाई सिर्फ मेरे को उसकी करंट लोकेशन बता, उसके बाद मैं देखता हूँ आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, वजह क्या है। अरे मेरे को फोन तो कर लेता कम से कम, सीधा घर में घुसा बंदे ने मेरे भाई डॉगी का घर चला दिया। भाई टेरी ने बॉस की करंट लोकेशन मेरे को बता दिया, इस वक्त लॉस्ट वालों का बॉस जो है ना आराम से पुलिस स्टेशन में गया हुआ है, पता नहीं क्या काम उसको होगा, बट फिलहाल वो पुलिस स्टेशन में ही है और वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले बंदे, शायद से उसके बंदे भी होंगे, मेरे को उनसे कुछ लेना देने नहीं है, फटाफट से पहुंचता हूँ भाई। भाई मैं पुलिस स्टेशन पहुंच चुका हूँ, मैंने अपने प्यार से डॉगी को गाड़ी से बाहर निकाल लिया है, आ जा मेरे प्यारे भाई, अभी बहुत ही बुरा यहाँ पे काम हो जाने वाला है, जितने बंदों ने भाई पंगा लिया है सारे पिटेंगे। अगर पुलिस वालों ने भाई सपोर्ट करने की कोशिश करी लॉस्ट वाले बंदों को तो ये डबल पिटने वाले। आ जा अंदर आ जा, तेरे को दिखा करके बदला लिया जाएगा क्योंकि घर इसका जला है। हेलो मेरे प्यारे भाई लॉस्ट वाले, कैसा है रे, ये चाकू देखा है, ये ले पिट आया मजा, हमसे पंगा लिया। मेरे प्यारे भाई अगर किसी ने भी गोली चलाने की कोशिश करी ना तो यहाँ पे बहुत ही बुरा भी मैं काम कर दूंगा, क्योंकि आपको पता गोलियां बहुत ही ज्यादा है। आज आ जा डॉगी देख, ये है हमारा दुश्मन, इसी की हिम्मत हुई थी तेरे घर को जलाने की, घर को जलाना, मेरे सामने घर को जला के दिखा था भाई, मेरे पीठ पीछे घुसा मेरे घर में और मेरे घर में मेरे डॉगी के घर को जला दिया, इतनी हिम्मत हो गई लॉस्ट वाले। अभी जब लेकर के आ जितने ज्यादा बंदों को तू लेकर के आ सकता है, आज इन लॉस्ट वालों को भाई मैं इलाज कर देता हूँ, क्योंकि देखो यार अभी भी बहुत उदास है, और जब ये उदास होता है तो मेरे को भाई बड़ा दुख होता है। टेंशन नहीं लेना, जब तक ट्रेवर है ना हर एक को सीधा कर देगा। आ जा फिलहाल यहाँ से, अभी देखते हैं लॉस्ट वाले भाई क्या कर सकते हैं, और लॉस्ट वाले इससे पहले करें ना कुछ,
मैं उनको सीधा करता हूँ, एक सेकंड पहले मैं पुलिस वाले से पता कर लेता हूँ कि आखिर यहाँ पे कर क्या रहा था, इनसे भी तो भाई कुछ पूछताछ कर ले, क्योंकि इनके सामने मैं लोस्ट वालों के बॉस को मार दिया है, तो इससे पता करता हूँ चाचा से। अरे मेरे प्यारे भाई कॉफी पी ली होगी तो हमसे बता दे जरा यहाँ पे क्या बातें कर रहा था, और इसने मेरे प्यारे से भाई का घर जला दिया, उसकी क्या वजह हुई है, मेरे को सारी वजह बताओ, अगर इसने तुम्हें बताई होगी तो। भाई मैंने बंदे से पता कर लिया, बंदे को वजह पता है, ये बोल रहा है कि ट्रेवर इसको ना पता चल गया था कि तुमने ही क्रिस्टोफर को मारा था, आपको याद है भाई परसों मैंने क्रिस्टोफर को मारा था, और वो क्रिस्टोफर लोस्ट वाला बंदा था, आपको पता है लोस्ट वालों को शायद से वो लीडर था, उसको मुझसे मरवाया गया था, और वहां पे जो भाई बंदे थे ना गार्ड थे वो मेरे को नहीं जानते थे, बट शायद से उनको मेरा फोटो दिखाया गया होगा बाद में, और उन्होंने मेरे को पहचान लिया, और उन्होंने बोला हाँ ये बंदा आया था ऑफिसर बन के, तो शायद से इसी ने ही मारा होगा, तो इसलिए इसने सोचा कि ट्रेवर ने हमारे क्रिस्टोफर को मार दिया। अबे भाई बात तो कर लेता आगे मुझसे, मैं तेरे को बता तो देता वजह क्या हुई थी, बट तेरे को तो बहुत ही बुरा काम करना पड़ गया ना। अभी आजा डोगी, फटाफट से निकलते हैं, और अभी इनके जितने भी भाई बेस बचे हुए हैं ना, आज इन लोस्ट वालों को सफाई कर लेते, क्योंकि लोस्ट वाले मेरे को मेरे काम में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। आपको याद है कल भी लोस्ट वालों ने भाई इतने सारे डायमंड्स चुरा लिए शिप को ब्लास्ट करके, इसलिए लोस्ट वालों को अभी रोकना बहुत जरूरी है, अभी नहीं रोका ना तो ये बंदे कुछ ज्यादा ही ऊपर चढ़ जाएंगे। आज आज जल्दी से गाड़ी में बैठ दे, कैसे देख रहा है ट्रेवर ने तो सीधा पुलिस स्टेशन में घुस के खत्म कर दिया बंदे को, ट्रेवर ना ऐसे ही काम करता है। अभी मेरे डोगी भी ना आज देख लेगा ट्रेवर का असली रूप, क्योंकि बहुत दिन से इसने भी ट्रेवर का गुस्सा नहीं देखा, आज लोस्ट वाले पिटने वाले बहुत ही बुरे। टेरी भाई मेरे को फटाफट से बता लोस्ट वाले बंदे कहां कहां में बैठे, सारे अड्डों के बारे में बता, और जल्दी से उनकी करंट लोकेशन मेरे को दे। भाई टेरी मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर भाई आप सबसे पहले तो लोस्ट वालों के मेन वाले अड्डे पर चले जाइए जो हमारे डायमंड कैसीनो के पास में पड़ता है, पहले वहां पे जाकर दो चार बंदों को मार लीजिए, उसके बाद मैं बाकी बंदों को पता लगा रहा हूं, पहले वहां पे जाइए। सही बोल रहा है, चलो यार शुरुआत वहीं से करते हैं जहां पे ये अपना पूरा का पूरा मैदान जमा करके बैठे हुए, वहीं पे जाकर के बंदों खाली करके आता हूं, पहले पहले अड्डे पे जाएंगे उसके बाद देखते हैं बंदे कहां कहां पे छुप छुप के बैठे हुए। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूं, और देखो कैसे मेरे को देखने में लग रहा है कि ट्रेवर एक को भी मत छोड़ना, बोल नहीं सकता बट हम इसकी बात समझ सकते हैं। देखो भाई अरे मेरे भाई अभी गर्दन घुमाइए सुबह से, क्योंकि अभी बहुत दुख है इसको, इसका नया घर चल गया, आपको पता ही है इसने नए घर के लिए कितना ड्रामा करा था, मेरे से नाराज हो गया था, नया घर आया था तभी खुश हुआ था, और तुमने इसका घर जला दिया, बहुत गलत कर दिया, अगर कुछ और काम कर लेते तो भाई माफी मिल सकती थी, मैं घर जला दिया, बहुत बुरा पिटने वाले हो। अबे टैक्सी वाले भाई क्या बेस में घुसा दी तूने जागरण कार को, आजा चाचा आजा, कैसे परेशान है, गोली तो सभी को मिलने वाली है, बचेगा कोई नहीं, आजा सारे लोस्ट के बंदे चुन चुन के मारेंगे भाई, जहां पर भी लोस्ट के बंदे होंगे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, आज इन्हीं का भाई काम कर लेते हैं, क्योंकि ये काम भी एक दिन मेरे को करना ही था, और आज ही क्यों ना इसको कर ही लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी परेशान भी ज्यादा कर दिया यार, कुछ ज्यादा हो गए ना, देखो घर में घुसे, चलो एक बात घर को जला दिया यार, इसके सबसे बड़ी बात यही है, ये ले मेरे भाई ऐसी लगी, क्योंकि ये आगे कुछ भी कर सकते हैं, जब इन्होंने भाई डॉग के गोर को जलाने की हिम्मत करी है तो ये तो इसको उठा के भी लेके जा सकते हैं, इसको किडनैप भी कर सकते हैं, इसलिए इनको आज ही रोकना जरूरी है, बहुत ज्यादा हिम्मत इनकी हो गई है। अले कहां जा रहे हैं भाइयों, आ जाओ ना, आ जाओ जल्दी, और अपने बाकी भाइयों को बुला लो दूसरे अड्डे से फोन करके, कि ट्रेवर आज सभी को गोली दे रहा है, जल्दी आ जाओ जल्दी लाइन से, तो भाई ऐसे ही करके बुलाना पड़ेगा। अरे चाचा जी पीछे वाले को मत देखो, आप आज अपनी जान बचाओ, और भाई आज बुलेट्स भी मैं रीलोड कर लेता हूं जाकर के दोबारा से, आज पूरी 10,000 गोलियां लेकर के आएंगे। आंटी जी आप निकलो, आपके पास गोली नहीं, आप जा सकती हो। हेलो भाई कोई और है क्या, जल्दी से आ जाओ जल्दी से, गोलियां बहुत ही ज्यादा है इसलिए मैं सभी को मारने वाला हूं, तो अंदर जितने बंदे होंगे आज उनका भी सफाई कर देता हूं। अरे भाई गेट ही नहीं खुला, खुल जा सिमसिम। ओ भाई गेट को लॉक करके बैठ गए अंदर से बंदे, कमाल है भाई, पहली बार मैंने ये चीज देखी है। ये लॉस्ट वालों गेट ओपन करो रे, कैसे मौत से डर लग गया क्यों भाई, देखो अड्डे को बंद कर दिया, मेरे को अंदर नहीं आने दे रहे, कमाल करते हैं बंदे। कोई बात नहीं, जितने होंगे बाद में उनको देख लेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। है और कोई? फिलहाल यहाँ के बंदे मैंने सभी खत्म नहीं हुए भाई, अभी भी नहीं हुए यार, मैं सोच रहा था बंदे खत्म हो गए, ये कुछ कुछ बंदे होते लास्ट में जो कवर लेके छुप जाते हैं, ये हमारे कवर वाले राजा है, कवर के राजा बाहर आजा, आजा आजा। अरे देखो पीछे से आ गया बाहर, ये ले मेरे प्यारे भाई, ऐसी लगी ओके ये बंदा खत्म होगा, उसके पीछे भी एक बंदा खड़ा हुआ है, बहुत ही छोटा सा मेरे को दिख रहा है, एक तो काफी दूर है यार। अरे आजा आजा, देखो भाई देखो एक बंदे ने कहां पे कवर लेके रखा हुआ है, आजा बाहर आजा, ये ले बैठे। है और कोई? भाई मुझे लगता है अभी कोई भी बंदा नहीं है, शायद से अंदर भी भाई कोई बंदा नहीं होगा, वैसे ही बस ये बंद होकर रखा हुआ है इसलिए शायद से अंदर कोई बंदा नहीं है। देखो ये बंदा आ गया मरने के लिए, तो फिलहाल ये बाहर से आया, तो अंदर के बंदे मैंने सभी मार दिया। अभी टेरी से पता करता हूँ, टेरी मेरे भाई अब बोल मेरे को, मैंने मेन वाले अड्डे पे शांति मचा दी है, अभी तो मेरे को फटाफट से दूसरे वाली जगह पे बता जहाँ पे लोस वाले छुप करके बैठे हुए हैं, इनका मैं सभी का आज बहुत ही बुरा इलाज करने वाला हूँ, और इनका लीडर बॉस वगैरह जो अभी फिलहाल इसके बाद हो, मेन बॉस को तो मैंने मार दिया, उसके नीचे भी क्या पता कोई बॉस हो लीडर हो कोई भी और हो सकता है, उसको भी मारेंगे। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूं और यहाँ पे बहुत सारे बंदे खड़े हुए, मैं सोच रहा हूँ यार इनको कुछ अलग तरीके से इलाज करा जाए, मारेंगे इनको भी बट मैं सोच रहा हूँ इनको अलग तरीके से मारूं। मेरे प्यारे भाई तू गाड़ी में बैठ, जरा बैठ,
मैं 2 मिनट में आता हूँ, बदला तो तेरा ही ले जा रहा है, तो इसलिए मजे ले रहा होगा भाई। अभी तो बैठ गए क्योंकि ट्रेवर देखो कितना मेरी केयर करता है, इन्होंने मेरे घर को जला दिया, इसलिए ट्रेवर सभी को मार रहा है। आज तो ट्रेवर सभी का एंड कर देगा, तो टेंशन मत ले। तो अभी भाई यहाँ पे मैं अपनी वॉच को ऑन करूंगा और पूरे घर में स्टिक बॉम्ब डालूंगा, थोड़ा सा इनको बॉम्ब से मारते हैं और जितने बंदे बच जाएंगे उनको बाद में आराम से मारेंगे। तो भाई मैंने अपनी वॉच को यूज कर लिया है। हेलो मेरे प्यारे भाई, स्टिक बम आने वाला है, रुक जा भाई तेरा भी यहाँ मैं इलाज कर देता हूँ। एक स्टिक बम मैं यहीं पे चाचा जी के पीछे डाल देता हूँ। चाचा जी एक स्टिक बम, आपका तो बहुत ही पूरा इलाज होने वाला है, ठीक है ओके। बाकी बंदे कहाँ पर खड़े, भाई पुलिस वाला बंदा यहाँ पे क्या करने के लिए आया था? ये पुलिस वाले बंदे भी और इतने करप्ट हो चुके हैं भाई। ड्राइवर भाई ऐसे पीछे से आ, उड़ता हुआ बॉम्ब को देख लेगा, गड़बड़ हो जाएगी। आराम से आराम से आराम से, बॉम्ब भी गायब हो जाता तो कितना अच्छा होता, बॉम्ब गायब नहीं होता है। ले 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 देखो कैसे बंदे खड़े हुए हैं, बहुत ही बुरा जाने वाले हैं यार पुलिस वाले बंदे यहाँ पे, पता नहीं क्या करने के लिए आए। ओके एक बम मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक बम मैंने यहाँ पे डाल दिया। चलिए भाई इनका भी मैंने पूरा का पूरा इलाज कर दिया है। और बाकी चाचा जी आप भी बहुत ही बुरा जाने वाले हो, ये ले बैठे। ओके भाई एक बम मैंने यहाँ पे डाल दिया, अभी इनको कुछ पता नहीं चलने वाला, इनकी आज बहुत ही बुरी मौत होने वाली है। पुलिस वाले सिक्योरिटी करने के लिए आए भाई, कमाल हो रहा है। अब भी एक काम करता हूँ, घर के अंदर घुसते, बाकी मैंने बाहर काफी जगह बॉम्ब लगा दिया, बाकी बंदों को गोली से मारेंगे। जहां पर मैंने बॉम्ब लगा दिया वो बॉम्ब से मर जाएंगे। अभी चल ड्राइवर भाई यहीं से चढ़ जाओ और घर के अंदर चल देखे थे कितने बंदे हैं। पुलिस वाले भाई एक बॉम्ब तो ले ली, कैसी लगी? ओके भाई यहाँ पे मैंने बॉम्ब डाल दिया, एक बॉम्ब मैं थोड़ा सामने की तरफ डाल देता हूँ, वहां तक पहुंचने की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी कुछ बंदे भाई शायद से ऊपर भी हो सकते हैं, ऊपर यहाँ से जाने का रास्ता है। ओ ले ले एफ आई वाले बंदा खड़ा हुआ है बेटे, बहुत बड़ा जाने वाला है। अभी मैं इसका भी जरा इलाज कर देता हूँ मेरे प्यारे भाई। एक बॉम्ब आप भी ले लो, खत्म भाई, इस वाले का भी इलाज मैं कर ही दूंगा अभी। अभी ऊपर भी कोई बंदा है या भाई बस इतने ही बंदे थे? शायद से यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, कोई बंदा होगा तो उसका भी इलाज कर दूंगा। भाई यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है। हेलो भाई कोई है क्या? तो भाई ऊपर की तरफ कोई भी शायद से बंदा नहीं है, ऊपर का पूरा फ्लोर खाली पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब बंदे नीचे ही है। अभी भाई मजा आने वाला, तो अभी शो को देखें, बाकी को हम गोली से मारेंगे, बट थोड़ा बॉम्ब से भी स्वाद तो इनको लेने दो। तो अभी मैं जरा पीछे जाकर के ही मजे लेता हूँ बॉम्ब के। चल भाई ट्रेवर यहाँ पे आ जा और बॉम्ब को अभी ट्रिगर करते हैं और देखते हैं कैसा मजा आने वाला सभी बंदों को। भाई मैंने अपनी मिनी गन भी निकाल ली क्योंकि बंदे भाई एकदम से जो बच जाएंगे वो देखेंगे भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होकर रखे, तो गोली जरूर चलाएंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बॉम पटा बॉम आया, मजा नहीं आया? अरे भाई इस वाली वैन में तो कुछ भी नहीं हो, मैंने यहाँ पे बॉम डाला था, बंदा तो जल के मर गया, बट भाई ये वैन ये शायद से भाई मेरे को लगता है ब्लास्ट प्रूफ है, ब्लास्ट ही नहीं होकर रखी और कमाल कर दिया। और यहाँ की सारे हमारे प्यारे भाई उड़ चुके हैं, कैसी लगी? आया मजा? ड्राइवर से पंगा लिया है ना, बुलाओ 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 अपने लॉस्ट वालों को बुलाओ, आज सभी की हम सेवा करेंगे। आज ड्राइवर सेवा के मूड में, सभी का इलाज ऐसे से करूंगा मैं, तुमने कभी सोचा नहीं होगा भाई। आज लॉस्ट वालों का बहुत ही बुरा इलाज होने वाला है सच में, इन्होंने ना आज ट्रेवर को परेशान कर दिया। आज मैंने सोचा था बहुत काम करेंगे हम, जैसे कि हमने चिराग वगैरह ढूंढेंगे, बट आज इन्होंने सभी प्लान को चेंज करवा दिया, इसलिए आज भाई कोई प्लान नहीं है, आज सभी डीले करेंगे, आज अपने प्यार डोगी का बदला लेंगे। और वैसे भी भाई ये चीज मेरे को करनी थी क्योंकि आप लोगों ने बहुत पहले कमेंट करी थी कि भाई लॉस्ट का एंड कर दो, ज्यादा लंबा मत करो, इसलिए मैं आज सोच रहा हूँ चलो आज लॉस्ट का एंड ही कर देते हैं, आज आप लोगों की बात पूरी हो जाएगी। क्योंकि बहुत से भाइयों ने बहुत पहले मेरे को कमेंट करा था, जैसे मैंने 12 वालों का एंड करा था ना, ऐसे आज लॉस्ट का एंड हो जाएगा। और किसी दिन फिर भाई ग्रीन गैंग वालों का भी एंड करना है, आजकल वो भी बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, किसी भी बंदे के साथ मिल करके हमें मारने के लिए आते, तो उनका भी एंड करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए एक दिन भाई उनके लिए भी सोचेंगे। चलो वो फिलहाल बाद में करेंगे, बट आज तो लॉस्ट वालों का दिन है। लॉस्ट वालों मेरे प्यारे भाइयों, अगर जान बचाना चाहते हो तो पतली गली से निकल करके भाग जाओ, नहीं तो आज ट्रेवर बहुत बुरा मारेगा। सच में यार आज ट्रेवर मारने के ही मूड में है, और अभी गोलियां मेरी 1300 बची है। ट्रेवर क्या यार तू भी कंजूसी करता है, गोलियां ज्यादा लेकर के आकर ले 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 चाचा यहाँ पे क्या कर रही हो? जब मैंने इस रूम में देखा था तो यहाँ पे बंदा नहीं था, शायद से भाई वॉशरूम में होगा, मैंने वॉशरूम चेक नहीं करा था। तो फिलहाल मेरे को लगता है भाई यहाँ के सभी बंदे ढीले हो चुके हैं। वैसे तो कितना फायदा होता है बॉम्ब डालने का, नहीं तो भाई यहाँ पे जब हर बार मैं बंदों को मारता हूँ तो मिनी गन से ही मारता हूँ, टाइम लगता है मारने में। एक बॉम्ब फोड़ा, अभी भी बंदा बच गया। अरे भाई मैं बोल रहा था सब बंदे मर चुके हैं, बट फिर में इस चाचा को मरने का शौक चढ़ा हुआ है, मतलब उल्टे काम करते हैं यार, आते हैं पिटते हैं। अरे भाई भाग जाता ना, मैं सोचता मैंने सभी को मार दिया, बट देखो ये प्यारा भाई देखो जल गया यार, इसके पीछे मैंने बॉम्ब डाला था। तो अभी अपने डॉगी को चुपचाप जाके बोलता हूँ, डॉगी मेरे भाई यहाँ का सारा काम हो चुका है, पहले इसका नाम पार्ले जी रखा था, इसको पसंद ही नहीं आया, अब फिर से इसको डॉगी बोलना पड़ता है। चलो यार जब तक अच्छा नाम नहीं मिलता इसको डॉगी बोल लेंगे मेरे प्यारे भाई। कैसे देख रहा हो? देखो भाई, अरे भाई मैंने यहाँ के सारे बंदों को खत्म कर लिया यार, काश मैं इसको चीज दिखा पाता, बट अभी क्या बताया आपको, गोली लग जाएगी सारा काम खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का, इसलिए तू गाड़ी से ही मजे ले। आया ना मजा? अभी मजा और भी ज्यादा आने वाला, टेंशन मत ले, बहुत बुरा पिटेंगे बंदे हो भाई साहब, अभी भी किसी बंदे में दम है। अरे टकले चाचा बच गए थे तो निकल जाते ना, भाग जाते यहाँ से। भाई अभी टेरी ने मेरे को फोन करके एक बहुत ही प्यारी खुशखबरी दी है। टेरी ने मेरे को बोला कि ट्रेवर भाई जैसे आपने लॉस के बॉस को मारा और लॉस के मेन अड्डे पे जाके बंदों को मारा, तो लॉस्ट वाले जितने बाकी बचे हुए बंदे थे ना, उन्होंने लिबर्टी सिटी से हेल्प ले ली है, लिबर्टी सिटी से बहुत सारे बंदे मंगाए आपको मारने के लिए, इसलिए फटाफट से एयरपोर्ट पे पहुंच जाइए, कुछ ही देर में फ्लाइट आने वाली है बंदों से भर के।
कमाल है भाई, देखो तो सही, मतलब बंदों से स्पेशल फ्लाइट आ रही है लिबर्टी सिटी को गुंडों की मेरे को मारने के लिए। मजेदार है, बात तो सुनने बहुत अच्छी लगती है। अरे भाई, अरे अरे आंटी जी, ये देखो भाई बड़ी बेरहम आंटी, अरे अरे हिरन को मार के चली गई, पकड़ो आंटी को, आंटी के नंबर पुलिस वालों को, तो इनको सजा करवाओ। कमाल है भाई, देखो ऐसे उड़ा के चली गई, बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो भाई फटाफट से एयरपोर्ट पर पहुंचता हूँ और अब भी करता हूँ बंदों को सीधा मेरे को मारने के लिए आ रहे हो, अभी लिबर्टी सिटी से। भाई मैं एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूँ और अभी तक फ्लाइट नहीं आई है, मैंने टेरी से पता करवा लिया। टेरी बोल रहा है कि टेरी भाई कुछ ही टाइम में आने वाली है, तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो मेरे प्यार भाई अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। यार तू कैसे मेरे को देख रहा है आज, तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही खुश है और भाई अपनी फीलिंग्स को ना बोल नहीं पा रहा। अगर बेचारा बोल सकता तो बहुत ज्यादा बोलता। देखो कैसे देख रहा है, मतलब कि यार बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है ये, कि आज तो ड्राइवर ने मजा उठा दिया, लोस्ट वालों को कैसे मारने में लग रहा है। नहीं तो आज तक भाई इतना ज्यादा देखो कभी ये नहीं हिला, नहीं तो सिर्फ एक तरफ ये भाई मुंह करके बैठा रहता था, कभी सामने देखता था, कभी भाई साइड में देखा करता था, बट अभी ना सिर्फ अभी ड्राइवर को ही देखे जा रहा है। अरे भाई ठीक है इतना एक्साइटेड नहीं होते, सभी को मैं बहुत बुरा मारने वाला हूँ, बस तू आने दे बंदों को, बदला लिया जाएगा भाई, इसी का घर जला हुआ है। अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो बदला इसी की वजह से लिया जा रहा है भाई। अगर डॉगी का हाउस नहीं चलता तो कोई टेंशन नहीं होती, फिर तो हम आराम से मामले को सोल्व कर लेते, क्योंकि भाई अगर वो कुछ और चीजें करके जाता, घर पे बंदों को मारता, टर्मिनेटर को मारता, तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है। बट यार इसका घर जला है ना, इसके लिए तो हमने बहुत बंदों को पहले ही मार के रखा हुआ है और इसी के लिए अभी हम सारे बंदों को आज फिर से मारेंगे। मेरे प्यारे डॉगी देख देख, फ्लाइट आ चुकी है भाई, देखो प्लेन आ चुका है और बंदे भी मेरे को बहुत सारे दिख रहे हैं सामने। अभी देख तो सामने कितना मजा आने वाला है। ठीक है गाड़ी में बैठ रही हो, मैं जरा बंदों का इलाज करके आता हूँ। तो भाई यहाँ पे चलने वाली है एलियन गन, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, एलियन गन से हम मजा दिखाएंगे थोड़ा सा लिबर्टी सिटी वाले बंदों को, क्योंकि इनको पता नहीं है ना ड्राइवर के पास क्या क्या वेपन है, ड्राइवर कैसे अपने दुश्मनों को मारता है। आ जाओ भाई आ जाओ, कैसे गाड़ी का वेट कर रहे हो कि कब गाड़ी आएगी और कब हमें लेने के लिए आएंगे एयरपोर्ट पे। अरे भाई तुम्हारे तो एयरपोर्ट पे आखिरी दिन बनाने वाला हूँ, तो ड्राइवर भाई काम शुरू कर दे, बिल्कुल भी लेट मत कर। कैसी पड़ी आया मजा? अरे भाई कुछ भी नहीं पड़ा। अरे क्या घटिया एलियन गन, ले भाई ले। अरे यार प्लेन सो सॉरी भाई, सबसे पहले तुझे जा रहा था क्या, ये ले बेटे प्लेन, इसी में है सारे के सारे बंदे। अरे चाचाओ कैसे लगी भाई, देखो कैसे उड़ने में लग रहे हो बंदे, गोली चला रहा कोई बंदा मुझ पे, अभी सीधा करता हूँ, बने नहीं अभी भी बंदे। अरे बहुत ज्यादा दम आ गया यार तुम लोगों में आजकल, मतलब लिबर्टी सिटी से आ रहे हो ट्रेवर को मारने के लिए, इतना दम आ गया तुम लोगों में। भाई देखो आधे ज्यादा बंदे चल चुके हैं, सारे के सारे बंदे हमसे पंगा लेने के लिए आए थे। आजा भाई आजा आजा जल्दी आ जाओ सारे के सारे, आज मैं बहुत ज्यादा बंदों को मारने के मूड में हूँ। कमाल है यार बंदे, देखो अभी भी मरे नहीं, अभी उड़े जा रहे हैं। अरे एलियन गन असर क्यों नहीं कर रही यार, आग ही नहीं निकल रही इसके अंदर से, आप लोगों ने नोट करा आग कहाँ चली गई इसकी। ये कमाल की गन है भाई, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, कभी कभी तो बहुत अच्छा असर करती है और कभी कभी बिल्कुल भी असर नहीं करती। वैसे मेरे हिसाब से मुझे लगता है बंदे मर चुके हैं, कुछ कुछ बंदे बचे होंगे जो उड़ गए होंगे, अभी चेक कर लेता हूँ। एक दो बंदा, एक भी बंदे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे, मैं सभी बंदे को मार करके जाऊंगा। फिलहाल वैसे मेरे को लगता नहीं भाई कोई बंदा जिंदा होगा। मेरे प्यार डॉगी भाई देख, मैंने तेरे सारे बंदों को मार दिया, अभी बदला पूरा नहीं हुआ, अभी और भी लॉस्ट वाले बचे हुए हैं, क्योंकि भाई आज ना पूरी तरीके से एंड कर देते हैं, आज सभी को मारेंगे, कुछ को छोड़ देंगे, कोई फायदा नहीं होगा, फिर बाकी दोबारा बंदों को लाएंगे, फिर टीम बना लेंगे, इसलिए आज सारा को ही खत्म कर देंगे। तो फटाफट से बाकी बंदों के पास चलते हैं, ये बेचारे लिबर्टी सिटी वाले बंदों का तो मैंने इलाज कर दिया। भाई मेरे पास टेरी का दोबारा से फोन आया, टेरी ने मेरे को फोन करके बोल दिया कि ट्रेवर भाई जल्दी से आप डेजर्ट साइड पे जाइए, वहां पे भी बहुत सारे बंदे लॉस्ट वाले रुके हैं। तो भाई भी फटाफट से जाकर के उन सभी को खत्म करता हूं। अरे एक सेकंड यार, कौन बंदा सामने भागे जा रहा है? हेलो मेरे प्यारे भाई, अरे मेरी गाड़ी में जाकर घुस गया। अबे मेरे भाई गाड़ी से बाहर निकल, फटाफट से खत्म कर दूंगा। अरे अरे भाई गाड़ी से बाहर नहीं निकलना बंदा, अरे मेरे डोगी गाड़ी में बैठा हुआ है, इसको गोली लग जाएगी। अबे भाई गाड़ी से बाहर निकल, अरे मेरे डोगी गाड़ी में। अरे यार अभी चलती गाड़ी से उसको मैं बोल भी नहीं सकता, अरे मेरे डोगी को लेकर मैं भाग गया, इसको मैं बहुत मारूंगा। चलो यार अच्छा हुआ यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, जल्दी 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 ड्राइवर भाई बहुत बुरा काम हो गया। तो ये कौन था बंदा यार, दिखने में तो मेरे को एयरपोर्ट वाला बंदा लग रहा था, मेरे डोगी की गाड़ी में बैठा और लेकर के भाग गया। अबे बदतमीज कहाँ पर गया है भाई, ये ग्रीन गैंग वालों की गाड़ी है, बहुत ही थकी हुई है। और देखो आपको सामने दिख रही होगी भाई रेड कलर की कार, जो अपनी ओडी है भाई, उसको लेकर के बंदा भाग रहा है, इसको मैं बहुत बुरा मारूंगा। और यार मैंने इसको गोली भी मारी और इसको गोली का असर नहीं हुआ यार, ये बंदा कभी लॉस्ट वालों को तो नहीं है, मेरे प्यार डोगी को लेकर के भाग रहा है बेटे गाड़ी से बाहर। अरे यार डोगी बेटा पीछे गोली लग जाएगी, आराम से गाड़ी को भाई खाली छोड़ दे, नहीं तो सीधा कर दूंगा मैं। हेलो भाई इसके चक्कर में कोई और बंदा मर गया, सॉरी सॉरी मेरे भाई। अरे कौन है ये बंदा यार, प्यार से मैं तेरे को बचा लूंगा, कुछ भी नहीं होगा। अरे यार इसको कुदा नहीं सकता, गाड़ी चल रही है, इसको चोट लग जाएगी यार, इसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं तो बंदा जा करके रुकेगा। बेटे जब जब गाड़ी से बाहर निकल जा भाई, गाड़ी गायब हो गई यार। वो यार मेरी गाड़ी ये गायब कैसे हो सकती है, बंदा गायब, गाड़ी गायब, मेरा डोगी भी गायब, अभी रेड लाइट पे गाड़ी एकदम से रुकी थी और तीनों चीजें गायब हो गई भाई। नहीं मतलब चल क्या रहा है यार, ये मेरी गाड़ी ओडी कैसे गायब हो सकती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसका मतलब। जो बंदा था एक तो मर भी नहीं रहा था
और ऊपर से भाई वो टेलीपोर्ट भी करवा सकता था मेरी कार को, इसका मतलब तो किसी भी कार को टेलीपोर्ट करवा सकता था। तो बट भाई चलो छोड़ो, जैसे भी वो गया हो बट टेलीपोर्ट करके वो गया, वो मैं बाद में पता लगाऊंगा आखिर वो टेलीपोर्ट हुआ कैसे था। यार मेन चीज पता है क्या है, मेन चीज वो मेरे प्यारे से डॉगी को लेकर के चला गया यार, ऐसे कैसे कहाँ पे गया होगा। अरे टेरी भाई अब तो बहुत बड़ा काम हो गया यार, अभी तक तो मजाक चल रहा था बट अभी मामला सीरियस हो चुका, क्योंकि भाई वो मेरे साथ नहीं है जिसकी वजह से सारा काम चल रहा है, अगर वो ही साथ भी नहीं हुआ ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज टेरी भाई पता लगा, नहीं तो पूरे लॉस सैंटोस को मारने का करना पड़ेगा प्लान, फिर पूरे लॉस सैंटोस की सारी गैंग को पीटना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता ऐसा हो क्योंकि पूरा शहर ही खत्म हो जाएगा, फिर ट्रेवर अकेला रहकर यहाँ पे क्या करने वाला है। भाई मैंने टेरी से बात करी, उसको सब कुछ बताया और जैसे मैंने फोन को काटा भाई मेरे पास एकदम से कॉल आई लॉस वाले को, लॉस वाले ने उनको फोन करके बोला कि ट्रेवर चुपचाप हमारी जगह पे पहुंच जा, हम तेरे को लोकेशन सेंड कर रहे हैं और तेरा डॉगी हमारे पास ही, अगर कुछ भी समझदारी करने की कोशिश करी तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। अरे यार इतनी जल्दी से लॉस वाले अड्डे पे कैसे चला गया मेरा डॉगी, टेलीपोर्ट करवाइए उसने मेरी कार को, ये मेरे को पता लगाना पड़ेगा आखिर टेलीपोर्ट हुई कैसे है। जा घटिया कार, तेरी वजह से सब कुछ ये हुआ है, तेरे को तो मैं बहुत खत्म करके जाऊंगा, ये गाड़ी हिलने का नाम ले रही है और देखो यहाँ पे फंस गई, अगर कोई फास्ट कार होती तो मेरा डॉगी आज मेरे साथ होता, ये ले मेरी प्यारी गाड़ी, तेरा तो मैं इलाज कर दूंगा। ग्रीन गैंग वालों की कार है, उनको भी बाद में देखेंगे, अभी फटाफट से भाई जगह पे पहुंचता हूँ, कोई दूसरी कार ले लेता हूँ, मेरी प्यारी कार आ जा गाड़ी देते प्लीज, अभी थोड़ी जल्दी है, निकल यहाँ से, देख हम ऐसा काम करते नहीं है, हमारे पास बहुत सारी कार है बट मजबूरी है भाई अभी करना पड़ेगा, तो फटाफट से निकलते हैं यार यहाँ से। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका, तो यहाँ से मेरे को फोन करा था बंदों ने और यहाँ पे बोस्ट वाले बहुत सारे बंदे पहले मैंने मार के रखे, तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी बंदे बच गए होंगे ना सारे के सारे यहीं पे आए और सभी ने मेरे डॉगी को भाई किडनैप करने का प्लान बनाया होगा कि एक बार डॉगी को किडनैप कर लेंगे तो ट्रेवर शांत हो जाएगा। तुम लोगों ने आज बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी जिंदगी की, ये करके अगर कुछ हो गया ना भाई उसको तो बहुत ही ज्यादा ट्रेवर पूरा मारने वाला है। और मैं भाई अपनी गन को ना पूरे के पूरी फुल करके लाया हूँ आज, एक एक गन को आज इनको मैं इतना मजा दिखाने वाला हूँ कि भाई तुमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। बहुत सारे बंदे खड़े हुए, वेगोस वाले भी आ गए सपोर्ट में, आ जाओ सारे के सारे आज एक साथ हो जाओ, बड़ा भाईचारा दिखा रहे हैं सारे के सारे बंदे, आओ भाई आओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। और उस बंदे को मैं बड़ा तसल्ली से मारूंगा भाई जिसने गाड़ी चलाई डॉगी को यहाँ पे लेकर के आया, पता नहीं टेलीपोर्ट वो कैसे करा वो तो बाद में देख लेंगे बट उसको मैं नहीं मारने वाला था। देखो भाई मेरी सामने ही कार खड़ी हुई है, इसका मतलब बंदा इतनी स्पीड से आ गया, अबे क्या ढूंढ लिया तुमने लॉस्ट वालों। और ये है वो टकला जो भाई आगे जा रहा था एयरपोर्ट पे, ये है वो बंदा, इसको मैंने गोली मारी थी, अभी तेरे को सीधा करता हूँ बेटे। बॉस कहाँ पर है, तो ये है बॉस जो भाई यहाँ पे बीच में खड़ा हुआ है, अबे तू बॉस है भाई, ये बॉस है आजकल लॉस्ट वालों को, तो इसका मतलब जिस बंदे को मैंने मारा था उसके नीचे वाला बंदा ये है। तो मेरे भाई बाद में हम बातें करेंगे, पहले ये बता मेरा डॉगी कहाँ पर है, अगर नहीं बोला ना तो सही बता रहा हूँ मैं, पहले तू ही मरेगा बाकी बाद में मरेंगे, जल्दी बोल। भाई बंदा बोल रहा है कि मेरे डॉगी को इन्होंने पीछे की तरफ रखा हुआ है, बोल रहा है वो आराम से मजे में, जाकर के चेक कर लो भाई, अभी जाकर के मैं चेक करता हूँ। हेलो मेरे प्यारे भाई, यार यहाँ पे अगर वो होता है बोल रहे पीछे रखा हुआ है तो यार वो मेरे को सूंघ के भौंकने लगता, बट यार वो बिल्कुल भी भौंक नहीं रहा यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मेरे को लग रही है, इन्होंने शायद उसको बेहोश तो नहीं कर दिया। हेलो मेरे प्यारे डॉगी, अबे यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, एक सेकंड यार, यहाँ पे मेरे डोगी के कपड़े रखे हुए हैं। अरे हेलो भाई, अरे रे 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 रे, क्या कर दिया इन बंदों ने यार, अरे भाई साहब सारे कपड़े उतारे मेरे भाई कर नीचे, भाई आग जला के रखी हुई यार, भाई देखा नहीं जा रहा मुझसे, अबे बंदो तुम्हें शर्म नहीं आ रही, और ये देखो वीडियो बना रहा है बेटे, तेरी बहुत बुरी वीडियो बनने वाली है यार सच में, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा यार, ये तो बहुत ज्यादा तड़प रहा होगा बेचारा, अभी देखो यार धुआं इसके मुंह में जा रहा है, बड़ा परेशान हो रहा है बंदों ने, तो पूरी धूप इतनी ज्यादा तेज हो रही है और ऊपर से यार आग लगा के रखी है इसके ऊपर, बेटे दर्द हो रहा होगा ना भाई, अभी मैं बस ज्यादा नहीं देख सकता, अभी मैं बस क्या बोलूँ यार, शब्द नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो ये काम कर दिया है ना, अब ये बहुत ज्यादा बुरा काम कर दिया इन्होंने, मेरे डोगी को बांधा, कपड़े खींच के उतार दिए, पीटा भी होगा और लटका के रखा हुआ है भाई आग से, मेरे को पहचाना नहीं भाई, देख के भौंका नहीं वो मेरे को, इसका मतलब पता नहीं उसके साथ भाई धुआं घुस गया पूरे अंदर, और अभी इसकी सजा तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मिलने वाली है। तो भाई बंदा मुझसे बोल रहा है एटीट्यूड में कि ट्रेवर बेटे तू यहाँ पे कर क्या लेगा, हम इतने सारे, तू अकेला बंदा, ट्रेवर ना अकेला ही बहुत खतरनाक है, बट फिर भी तूने सोच कैसे लिया कि मैं यहाँ पे अकेला आऊंगा अपने प्यारे से भाई को बचाने के लिए, अकेला आया हूँ मैं, अरे मेरे प्यारे चाचा, अभी तेरे को इसको एक डायलॉग मारना पड़ेगा, पीछे देखो पीछे, अभी तुम्हें बहुत कुछ दिखने वाला है पीछे, भाई चाचा को लग गया शौक है, ले मेरे प्यारे प्यारे भाई, आप लोग देखो मैंने बहुत सारे टर्मिनेटर्स भाई रेडी करवा दिए थे, आपको पता है मैंने अर्नोडो काफी दिन से बोल के रखा था कि भाई टर्मिनेटर्स को ढूंढ और उनको रिपेयर कर, तो मैंने जैसे आज फोन लगाया यहाँ से आने से पहले कि अर्नोडो भाई मेरे को टर्मिनेटर्स की जरूरत है, तो बोला कि ट्रेवर भाई काफी रेडी मैंने कर दिया जितने आपको चाहिए बोलो, तो भाई ये सारे के सारे रेडी हो चुके हैं, आज टाइम पर काम आ गया मेरा प्यारा अर्नोडो, देखो कितने सारे टर्मिनेटर उसने भेजे मेरी हेल्प के लिए, मेरे लॉस्ट वालों
अब करते हैं फाइट शुरू, देखते आ जाओ चलो किसमें कितना है दम। तो भाई मैं तो सबसे पहले एक ही चाचा को मारने वाला हूँ, मेरे प्यार डॉगी को देख के भाई मेरे को अभी भी बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। मारो भाइयों, ये ले एयरपोर्ट का वही बंदा था ना, कदम करो फटाफट से, अभी मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे मेरा काम नहीं है, मेरे प्यार टर्मिनेटर सब कुछ देख लेंगे। इनको मारो मारो मारो, खत्म कर दो, एक भी बंदे को जिंदा मत छोड़ना। मेरे प्यार डॉगी को लेकर के आए, उसको बांधा, बहुत दुख हो रहा है यार मेरे को उसको देखकर बेचारे को, जल्दी से जाकर के उसको छुड़ाता हूँ, उसको गाड़ी में लेकर के आता हूँ। यार इन बंदों ने बहुत गलत किया उसके साथ बेचारे का, यार उसकी क्या गलती थी यार, वो तो इतना मासूम सा प्यारा सा डॉगी है, मतलब अरे बदला लेना तो मुझसे लो। पहले उसको घर जला दिया और बाद में उसको जलाने के लिए लग रहे हैं यार, इसलिए मैं पीछे से घूम करके जाता हूँ। बट यार अभी बंदों का मरना बहुत जरूरी है, आपको पता है अगर मैं बंदों को नहीं मारूंगा तो मेरे ऊपर फिर से गोली चलाते रहेंगे, वहां पे मैं उसको उतार नहीं सकता अभी जाकर के, अगर मैं उतारूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको भी गोली लग सकती है, इसलिए यार पहले बंदों खत्म कर लेते हैं, जल्दी बंदे खत्म हो जाएंगे। आपको पता है टर्मिनेटर बहुत ज्यादा, ये ले पेट है यहाँ पे खड़ा होकर, मेरे प्यार डॉगी यहाँ पे सीधा कर दूंगा मैं सभी को, अगर उसको एक भी भाई स्क्रैच आ गई, स्क्रैच तो क्या भाई, अभी तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, इन्होंने उसको मारा जरूर है भाई। वो मेरी तरफ देख के एक बार भी नहीं भौंका, नहीं तो बहुत भौंकता है मेरे को देख के, उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करा भाई, ऐसे देख रहा था बेचारा आग का भाई, पता नहीं क्या हो गया, लगता है उसके मुंह में शायद से धुआं घुस गया है, उसके पेट में ज्यादा धुआं चला गया, ऐसा हो सकता है क्योंकि भाई आग के ऊपर लटका के रखा हुआ है बदतमीजों ने। अबे भाई इसको पिंजरे में बंद कर देते, कुछ और कर देते, बेहोश करके रख देते, बट यार आग के ऊपर डाल रहे हो। हेलो मेरे प्यारे भाई, देख मैं आ गया, टेंशन मत ले, बस एक मिनट और कंट्रोल कर ले, सिर्फ एक मिनट की बात है, मैं सभी को बस मार के अभी आता हूँ। अरे भाई जो तुम्हें शर्म नहीं आ रही, वैसे मेरा डॉगी बहुत हार्ड है भाई, थोड़ा सा तो कंट्रोल वो कर सकता है, बट यार है तो बेचारा डॉगी ना यार, कभी कुछ हो ना जाए इसको। अरे यार ये लॉस्ट वाले काफी बंदे देखो मान नहीं रहे ना भाई, मैंने अपने डॉगी को उठा लिया है भाई, क्योंकि इस पे नहीं चला जा रहा यार, ये तो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया है, मेरे को लगता है आग भाई इसके अंदर तक असर कर गई है, इसके लगता है शायद से पैर वगैरह भी चल गए हैं, बहुत ही ज्यादा बेचारा परेशान है। अरे यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गोली चल रही है, मेरे को इसको लेकर के जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बस लंबी लंबी सांसें लिए जा रहा है। ड्राइवर भाई अभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है भाई, कभी हमें छोड़ के ना चला जाए। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये बंदे ना इनका मैं बहुत ही ज्यादा मारने वाला हूँ। मैं प्यार डॉगी तो एक काम कर प्लीज, अभी यहाँ पे शांति है, हेलो ठीक है ना भाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, देखो बस ऐसे ही मुंह खोल के सांसें ली जा रहा है लंबी लंबी, कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है क्योंकि भाई धुआं इसके अंदर शायद से ज्यादा ही चला गया है। मैं इसको देखो फिलहाल अभी यहाँ पे रख देता हूँ भाई, मैंने अपने डॉगी को पत्थर पे रख दिया, अभी फिलहाल यार थोड़ी देर यहीं पर रेस्ट कर लेगा मेरे भाई, मैं जरा दो मिनट में आता हूँ ठीक है यहीं पर, और इसके कपड़े भी उठा के लेकर आऊंगा यार, इसके कपड़े भी वहीं पर पड़े हुए बेचारे के। अरे भाइयो अभी करता हूँ तुम्हारा इलाज यार, इसको उतारना जरूरी था क्योंकि जितना ज्यादा टाइम तक ये भाई आग के ऊपर लटका रहता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती रहती है, और इन्होंने बहुत ही ज्यादा बेकार काम कर दिया। देखो मेरे टर्मिनेटर्स ने भाई पूरा काम अकेले ही कर लिया, बहुत फायदा हो गया ना मेरे को भाई, इतना ज्यादा काम करना नहीं पड़ा, लगता है भाई शांति हो चुकी है, टर्मिनेटर्स ने सभी को मार दिया, अभी चुपचाप से खड़े हुए हैं। आया मजा, पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा, बहुत ही बुरा मारने वाला हूँ भाई, एक भी बंदे को नहीं छोड़ा। अरे भाइयो थैंक यू यार, आज तुम मेरे बहुत ज्यादा काम आ गए यार, कमाल के बंदे हो, अर्नोल्ड ने आज भाई टाइम पे आकर के मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। तो एक काम करो, तुम जितने बंदे दो चार और बचे होंगे यहाँ पे, इन सभी का सफाया करो, मैं अपनी गाड़ी को लेकर के चलता हूँ और अपने प्यार डॉगी को इसमें डालता हूँ, बिल्कुल भी भाई लेट नहीं करूंगा, उसको डॉक्टर के पास लेकर के मेरे को जाना है। अरे हट जा यहाँ से जल्दी से, लेट मत करो, जल्दी 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 मेरी प्यारी प्यारी ओडी ऊपर चढ़ जा भाई। मैंने अपने प्यार से डॉगी को गाड़ी में डाल दिया है भाई, देखो कैसे वो पीछे आराम से लेटा हुआ है, अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा, फटाफट से भाई इसको डॉक्टर के पास लेकर के मेरे को जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों हटो तुम जल्दी से, यहाँ पे अपना सारा का सारा काम कर लो, मेरे को अपने प्यारे डॉगी को डॉक्टर के पास लेकर के जाना है, तो जल्दी से मैं अपने भाई डॉक्टर को फोन कर लेता हूँ, जिस डॉक्टर से भाई मैं इसको सारी वैक्सीन लगवाता हूँ, सारा का सारा काम वही मेरे डॉगी करता है, उसी को जल्दी से फोन करता हूँ कि जल्दी से मेरे प्यारे भाई क्लिनिक पे आ जा, बिल्कुल भी लेट मत कर, नहीं तो बहुत ही बेकार काम हो जाएगा, अगर इसको कुछ हो गया मैं तेरे को मारूंगा, मैं यही बोलूंगा भाई, तभी काम चलने वाला है भाई। डॉक्टर से बात करने से पहले टेरी का फोन मेरे पास आ गया, टेरी मेरे को बोल रहा है कि ड्राइवर भाई 5 मिनट और रुक जाओ, आपका डॉग बर्दाश्त कर लेगा, अभी एक बहुत ही जरूरी काम आपको और करना है। यहाँ पे एक और लीडर था, वो आपके आने से पहले हेलीकॉप्टर लेकर के भाग गया, अगर आज वो चला गया तो लॉस्ट का एंड नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले मेरी बात समझ लीजिए, डॉगी बहुत खतरनाक है हमारा, वो बर्दाश्त कर लेगा थोड़ा और, बट अगर वो बंदा निकल गया यहाँ से तो अब की बार दोबारा आएगा बहुत ज्यादा बंदों को लेकर के, इसलिए उसको मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अरे यार एक बंदा भाग रहा है हेलीकॉप्टर से, अभी उसको भी मारना बहुत ही जरूरी हो सकता है, अब ये कैसे काम करूं मैं, प्यार डॉगी बर्दाश्त कर सकता है क्या, क्या पता भाई ये ऑटोमेटिक खुद ही ठीक हो जाए, क्योंकि इसके पेट में ज्यादा धुआं चला गया है, इसी वजह से शायद से ऐसा भी बिहेव कर रहा होगा, थोड़ी बहुत देर में जब इसको नॉर्मल फील होना शुरू हो जाएगा क्या पता बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी यार देखो लॉस्ट वाले बंदे को मारना पड़ेगा, आपको भी पता है अगर मैंने अभी उसको नहीं मारा तो फिर एंड हो ही नहीं पाएगा, और एंड नहीं हुआ तो भाई फिर से आएंगे, फिर परेशान करेंगे, जो आज मैंने सारा काम किया है वो आगे भी हो सकता है, इससे बुरा भी हो सकता है, आज तो मैंने इसको बचा लिया बट आगे क्या पता मैं इसको ना बचा पाऊं। भाई मैंने टेरी को फोन कर दिया, टेरी बोल रहा है कि ठीक है मैं कुछ ही देर में बंदों को भेज रहा हूं, तो देखो भाई फिलहाल मेरे को लगता है ये ठीक होना शुरू हो रहा है, देखो अभी देखो इसने मुंह हिलाना शुरू कर दिया, बिल्कुल ठीक है। हेलो मेरे भाई ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है,
तो भाई वैसे ठीक हो जाएगा। और लॉस्ट वालों को मारना भी देखो बहुत ही जरूरी है, ये काम भी जरूरी है और वो भी जरूरी है। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के, और सामने देखो एक प्यारा सा बंदा जाने लग रहा है हमारे शहर को छोड़ करके। आज ये बहुत ही दूर जाएगा। अले मेरे प्यारे भाई, टेरी से नहीं बच सकता, हर किसी से बच सकता है। देखो बहुत ही बुला जाएगा ये लपेटे। कैसी लगी, पंखे में ही टक्कर लगा दी भाई मैंने तो। आज आ जा जल्दी से ऊपर आ जा, हमारे प्यार डॉगियों को किडनैप करोगे। पता नहीं किसका ये प्लान था, उसको तो मैं बहुत ही ज्यादा मारने वाला हूँ। बंदे ने भाई अपनी हाइट बढ़ा दी। आजा मेरे प्यारे भाई, कैसा है रे, गोली खा ले। अरे ट्रेवर भाई गोली मारो, लेट बिल्कुल भी मत करो बंदे को, जल्दी से जल्दी से। कहाँ पर है यार बंदा? अरे यार अपनी हाइट बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है। देखो भाई ये बंदा देखो पता नहीं कहाँ पे जाने की तैयारी कर रहा है। अबे लॉस्ट के बंदे भाई कहाँ जाना चाहता है, मतलब शहर छोड़ना चाहता है, ये दुनिया छोड़ना चाहता है। ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा है भाई, हाइट पे देखो कितने ऊपर मेरे को लेकर के आ गया। अबे आसमानों की सैर मत कर भाई, तेरे को मार रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में अपने हेलीकॉप्टर को चला रहा है। ये कितना ऊपर आ गया यार ये बंदा, ये फिर से इतनी दूर कैसे चला जाता है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा। ये बहुत ही दूर चला जाता है मुझसे। भाई बात नहीं भाई, अभी तो बिल्कुल सामने की तरफ है। चल भाई जल्दी से टारगेट को लॉक कर ले, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके भाई टारगेट लॉक होने वाला है। ओके टारगेट लॉक हो चुका है। लगी 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 लगी, खत्म। मेरा प्यारा लॉस्ट का बंदा आसमानों में ही ऊपर की तरफ निकल गया, हमसे पंगा लेगा तो ऐसा ही होने वाला है। बट भाई ये बंदा मुझे लगता है इसको स्पेस में ले जाना सोच रहा था। अबे हेलीकॉप्टर कब से स्पेस में जाने लग गए, तेरे चक्कर में मेरे को इतने ऊपर तक आना पड़ गया। इसका हेलीकॉप्टर अभी भी नीचे गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। गिर जा भाई गिर जा, इतने ऊपर क्यों आया था मेरे को भाई, बहुत ही ऊपर की तरफ लेकर के आ चुका है। अभी तो मेरे को नीचे खुद भी जाने में काफी टाइम लगने वाला है। अरे चाचा जी कैसी लगी, तो लॉस्ट का भाई इसके साथ साथ एंड हो चुका है। भाई मैं अपने डॉगी के पास पहुंच चुका हूं फटाफट से। हेलो मेरे भाई, क्या हाल चाल है? देख मैं आगे जल्दी से फल फटाफट से चल, अभी इसको लेकर चलता हूं भाई डॉक्टर के पास। बिल्कुल भी लेट नहीं करता, क्योंकि हमारा सारा आज काम पूरा हो चुका है। फाइनली हमने लॉस्ट का एंड कर दिया है। अभी भाई इसका इलाज करवाना बहुत ही जरूरी है। और देखो भाई बहुत ही ज्यादा हार्ड है, आपने देखा अभी भी सांसें चल रही है, आराम से लेटा हुआ है। इसका मतलब दम तो है यार, इसमें कितना ही दर्द ये बर्दाश्त कर सकता है भाई। चाहे कितना ही पैसा क्यों ना लग जाए, चाहे कुछ भी मेरे को करना पड़े, इसको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास हमारे टेस्टर जी का फॉर्मूला भी भाई, जिससे बंदा ठीक हो जाता है उस वाले फॉर्मूला को मैं इसको दे दूंगा। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो भाई अगर आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर उसको सेट करो। भाई अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से अगर वीडियो को लाइक कर लो। इस वीडियो का लाइक का एम है 20,000, जल्दी से अगर उसको पूरा करा दो। अगर तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड फॉलो नहीं किया उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय।